दोस्तों, दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है कैमरे की वजह से। लेकिन कैमरे में कई बार कुछ इस तरह की तस्वीरें कैद हो जाती हैं जो इंसानों के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, बच्चे अपनी मासूमियत से किसी का भी दिल जीत लेते हैं, वहीं कई बार उनकी नासमझी बड़े बड़ों को भी पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही एक मासूम बच्चे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हंसने को मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में दिखाई दे रही बच्ची अपने पति के पास जाने के लिए फूट फूट कर रो रही है, वहीं घर की महिलाएं उसे समझाती हैं कि बेटा, बच्चों के पति नहीं होते हैं। इस बच्ची की मासूमियत देखकर आप भी हंसने लग जाएंगे। कहाँ जा रही हो? कौन नहीं मिल रहा तुम? पति के पास। पति के पास जाना है? नहीं। किसके पास जाना? पति के पास। पति कौन होता है? मामा। मामा थोड़ी ना होता है। मामा तो मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं, समझे? मेरा पति कौन है? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। मेरे पति कहाँ चले? वो बच्चों के पति नहीं होते हैं बेटा, बच्चों के पति नहीं होते हैं, जब बड़ी हो जाते हैं तब होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं, ठीक है? क्या आपके परिवार में भी कभी किसी बच्चे ने इस तरह की हरकत की है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, ये लड़का बाइक चला रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने बाइक से क्रोकोडाइल बांधा हुआ है जिस पर ये सवार होकर आगे बढ़ रहा है। 44 मीटर के इस क्रोकोडाइल को देखकर लोग हैरान रह गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है। दोस्तों, विदाई के समय दुल्हन को अपनों से दूर जाने का गम रुला देता है, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन की विदाई तो हो रही है, लेकिन माँ को रोता देख दुल्हन रोने लग जाती है, बल्कि उसकी हंसी छूट जाती है और वो अपनी माँ के गाल पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है, अरे मैया। और उसके बाद पास खड़े लोग उसे झूठ मूठ रोने को कहते हैं, फिर दुल्हन दिखावे के लिए रोने लग जाती है। हाय, अरे अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। अबे जा, मम्मी जहांगीरपुरी में रहती है, लपक के आ जाएगी वहां पे। दोस्तों, ये वीडियो चीन के एक शॉपिंग मॉल का है, जहां एक शख्स मस्ती में सीढ़ियों से कूदता हुआ तेजी से आता है और एक कांच के दरवाजे से टकरा जाता है। दरवाजा कांच का होता है और वो एकदम से टूट जाता है और उसके बाद भाई साहब की हालत पतली हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, एक गाय सड़क को पार कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसे सामने से आता हुआ ट्रक दिखाई देता है। वो अपनी जान को बचाने के लिए वापस भागती है, लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है और बाल बाल अपनी और गाय दोनों की जान बचा लेता है। दोस्तों, इस लड़की को उसका बॉयफ्रेंड उसे डराने के लिए एक प्रैंक करता है, लेकिन ये बेचारी दुर्भाग्य से बालकनी में बैठी थी, जिसके चलते उसका फोन उछल कर सीधा नीचे गिर जाता है और सुनने में आया है कि बॉयफ्रेंड अभी तक लापता है। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के द्वारा आप घर बैठे एक नई दुनिया की सैर कर सकते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए सरल शब्दों में कहें तो ये असल सा लगने वाला एक ऐसा अनुभव है जो हकीकत में मौजूद नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ फील किया दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जब उसने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट ट्राई करने की सोची। वो मुश्किल से ही जमीन से 2-3 इंच ऊपर थी, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था मानो वो कई 100 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग पर लगे प्लैंक पर चल रही है। वीआर हेडसेट में सब इतना असल था कि महिला नीचे देखकर घबराकर चिल्लाने लगी और उस जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पास खड़े बच्चे उसे देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। आपने कभी वीआर ट्राई किया है क्या?
नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली की एक महिला को जब पुलिस वालों ने रोका तो इस कदर भड़क गई कि पुलिस वालों को हेलमेट से मारने की धमकियां देने लगी। और इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं और इस लड़की के हाथ कपकपाने लगते हैं और वो कभी अपनी मम्मी को बुलाने की धमकी भी देती है। लेकिन लड़की के इस अनोखे अंदाज को देखकर पुलिस वालों ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ कोई लड़का होता ना तो पुलिस वाले उसे लात घूंसे मार मार के सही कर देते और उसका अचार बना देते। हाथ तो जोड़ेंगे, आपका हेलमेट भी अलाउ नहीं है, ये डिफेक्टिव हेलमेट है। मैं फेंक के मार दूंगी अभी, मेरे को मार दो, मारो मारो मारो। मैं मम्मी को फोन कर रही हूं, मैं करो करो कोई बात नहीं, आपने गलती की, उसका चलान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।